गुरुद्वारे जावे सतगुरु जब खुशियां देवे मिलदे ने मिठड़े मेवे
चल के गुरुद्वारे जावे सेवा संगत दी करे पुन दाना दुखा दे कर बेनती बंदे सुख दे कर शुकराना परम सत्कार जो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में जुड़ बैठे हैं सात संगत जी अकाल पुरख वाहगुरु का जो अपना सिद्धांत है वो अपने सामने है वरती जा रहा है और इस समय के अंदर परख भी होंगी है एक तो जिन्हें जिन्हें सत्संगियों ने आना कुछ जिन्हों को साधन ने गड्डिया ने वो गड्डी विच भी आउंदे तड़कदे आ क्योंकि भी पानी बहुत खड़ा असली सतगुरु जी कृपा करते ने आप अज महाराज जी के हजूरी विच बादशाह दे बादशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज मुक्ति दे दाते गुरबाणी इस जग में चानण सतगुरां दे दरबार दे विच सतगुरु जी की महिमा सतगुरु दे नाम उन्हां दा सिमरन साडे जिंदगी दी मंजिल की है उहदे बारे आपां भावें आए महीने महापुरशां दे कोलों अनमोल प्रवचन श्रवण करते हैं श्रीमान संत बाबा धर्मपाल जी संगोवाल वाले धर्मपाल सिंह जी संगोवाल वाले बाबा जी महापुरश श्रीमान संत बाबा मिया सिंह जी सहर साहब वाले जिन्हों के महान मेहर का मीह बरसाया बाबा जी तो
हर दुनिया के अंदर उन्होंने दुखियों के दुख सुख के जान का जो समा बख्शिया सारी संगत महाराज चरणों में उन्होंने प्रथाए आके हाजरियां लवा रहे ने। असली आओ चवर छत्र तखत के मालिक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में आप हाजरियां लवाइए। कोई रसना बांझी ना रहे, सारी संगत गज बज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मीह पै रहा, सौण दा महीना अपने जोबन ते आ, ते उस मीह दी झड़ी दे अंदर अज आपां ही नहीं कले, बहुत थावां दे उत्ते अज दीवान ने गुरमत समागम ने, ते सारे थावां दे उत्ते संगत जुड़ी आ भावें थोड़ी आ, पर गुरु नानक साहिब महाराज जी की अपार कृपा वरतदी रहिंदी आ। असली साध संगत जीओ आपां सरवण कर रहे सी गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी तो आरंभ करके ते सतवें अठवें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जो सारे गुरु साहिबाना तो छोटी उम्र के हुए, बड़ा वड्डा बड़ी वड्डी गल सोचण वाली है। दुनिया के लोगों ने श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी नूं जिहड़े घमानी सी हंकारी सी उन्होंने बच्चे के रूप में वेख्या, पर जिहड़े रब नूं मन्नण वाले लोग सी उन्होंने परमात्मा के रूप में अकाल पुरख के रूप के वेख्या। उन्होंने बहुत सारे महापुरुष ने जिहड़े छोटी उम्र के विच ही आए दुनिया में अपनी कला वरताई तो छोटी उम्र में ही चले गए। ऐसे ही साध संगत जीओ नाम का सौदा जेडे लोगों को हुंदा उही लोग रब की जोत नूं पछाण सकते ने, रब नूं पछाण सकते आ, क्योंकि दुनिया था समुद्र आ, ये बहुत बड़ा समुद्र आ, इत्थे सारे जिमें समुद्र दे विच सारे गुण ने, हीरे मोती जवाहर सारिया चीज़ा समुद्र दे विच ने, पर उन्हूं टामे टामे लोग प्राप्त करते। इस तरह दुनिया भी एक समुद्र आ, दुनिया के अंदर बहुत बड़े पचनीक महापुरश बैठे ने, ब्रह्म ज्ञानी बैठे ने, रब रूप बैठे है, ते बहुत ही सारे लोग इदा दे आ जिहड़े कहिंदे रब ही नहीं है, रब कित्थे हुंदा। बहुत सारे लोग इदा ने भी और रब का भाणा नहीं मनते, तो दुनिया में खज्जल खराब हो फिरते रहिंदे ने, हुंदे ने खज्जल खराब हुंदे आ, क्योंकि रब जदों रब नूं बंदा मनदा रब प्रीख्या भी लैंदा, बहुत वड्डी प्रीख्या हुंदी आ। आपां इंसानी जीव आ, कलजुगी जीव आ, जदों अपनी प्रीख्या हुंदी आ उस प्रीख्या दे विचों उहदी किरपा दे नाल ही विरले विरले लोग पास हुंदे आ, क्योंकि हर एक बंदा सुख भालदा, दुख तो कोई भालदा ही नहीं। जदों दुख आउंदा ते उदों उस समय दे उत्ते असीं रब नूं लाभा दिंदे आ, रब्बा साढ़े नाल तूं की कीता है। पर साध संगत जीओ जदों चंगा हुंदा फिर असीं कहिंदे असीं कीता, माड़ा कहिंदे रब ने कीता, चंगा कहिंदे असीं कीता। बड़ा वड्डा बड़ी वड्डी गल आ, बड़ी वड्डी सोच आ। जिहड़े लोग कहिंदे ने सच्चे पातशाह चंगा भी तां ही कीता, माड़ा भी तैनू चंगा लगदा, वो तेरे हुक्म विच हो रहा। गुरु अर्जन देव महाराज जी दे शब्दों नूं आपां पढ़ीए, महाराज तत्ती तवी ते बैठे आ, तत्ती तवी ते बैठे आ, देग विच काढ़े जांदे ने। हुण अपने मन कोलों पुछीए, आपां हर सवे पंगती पढ़दे आ, महाराज ने तत्ती तवी ते बैठ के पढ़िया सी, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। हुण सोचण वाले लोग सोचदे होणगे भी गुरु साहब ने तत्ती तवी ते बैठ के
ਕਿਵੇਂ ਜਪਿਆ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਸਾੜਦੀ ਆ ਤੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂ ਰੇਤਾ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਰੇਤਾ ਸਾੜਦਾ ਵਾ ਧੁੱਪਾ ਜੇਠਾ ਜੇਠ ਦੀ ਜੇਠਾੜ ਦੀ ਧੁੱਪਾ ਦੁਪਹਿਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਆ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਮ ਹੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਠਵੇਂ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹੁਣ ਪੋਤਾ ਹਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਹੋਏ ਔਰ ਹਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਊ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਰੱਖਿਓ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਵਾਖਾਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸੋ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੂੰ ਰਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਖਵਾਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਰੂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਸੀ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਤੱਕੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਖਾਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨਾ ਕਹਾ ਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਕਰਾਮਾਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਵੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ
पूरी करी जाऊगा, थोड़ी गल पूरी करी जाऊगा, पर करामात नहीं समझना। आओ तकीए राम राय नू कोल बुला के गुरु हर राय साहिब महाराज, सतगुरु जी दो बेटे ने, राम राय बड़ा ते श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज छोटे ने, उन्हां दे संबंध दे विच अज आपां इस पंडाल दे विच सजे आ। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज छत्रछाए हेठ आपां सतगुरु जी दे असीस लैणी आ। आओ इतिहास के पन्नों के ढाडी जत्था उस समय का इतिहास क्यों पेश कर रहा जी। राम राय ने दिल्ली दे वल करी तैयारी है, राम राय ने दिल्ली दे वल करी तैयारी है, दिल्ली देवल करी तैयारी है, राम राय ने दिल्ली देवल करी तैयारी है। हंकार दी हुंदी है, सच कदे नी हरदा जित हंकार दी हुंदी है, तां कदे भी नीवी सिख सरदार दी हुंदी है, तां कदे भी नीवी सिख सरदार नी हुंदी नी। गुरु पुत्र नू सद के एह गल आचारी है, गुरु पुत्र नू सद के एह गल आचारी है, राम राय ने दिल्ली देवल करी तैयारी है, राम राय ने दिल्ली देवल करी तैयारी है। डरना नहीं कोल बादशाह जाके किसे भी गलों डरना नहीं, गुरु नानक दी बाणी अगे किसे भी अड़ना नहीं, गुरु नानक दी बाणी अगे किसे भी अड़ना नहीं। जगत मुसाफिर खाना ए ता दुनियादारी है, जगत मुसाफिर खाना ए ता दुनियादारी है, राम राय ने दिल्ली देवल करी तैयारी है, राम राय ने दिल्ली देवल करी तैयारी है। चल पे अमृत बाणी सोमे दे दिल विचों चल पे, अमृत सोमे बाणी दे दिल विचों चल पे। महिमा गुरु दे दर दी कह दो बड़ी निहारी है, महिमा गुरु दे दर दी कह दो बड़ी निहारी है, राम राय ने दिल्ली देवल करी तैयारी है, राम राय ने दिल्ली देवल करी तैयारी है। शरदा दे नाल करदे ने, जेड़े नेक कमाई शरदा दे नाल करदे ने। हर राय जी राम राय नू गल उचारी है,
हरे राय जी राम राय नू गल उचारी है, राम राय ने दिल्ली दे वल करी तैयारी है, राम राय ने दिल्ली दे वल करी तैयारी है, राम राय ने दिल्ली दे वल करी तैयारी है। सतगुरु जी गुरु हरिराय साहिब महाराज सतवें पातशाह जिन्हां ने बड़ा वड्डा करिश्मा करना महाराज जी सतगुरु जी सतगुरु नानक साहिब महाराज के दर के उत्ते जिन्हां ने दुनिया के महिमा बरतानी आ, क्योंकि महाराज जी कहिंदे आ आप गवाइए तां सा पाइए और कैसी चतराई। जिहड़े अपने आप नूं कुछ नहीं जाणदे निमरता विच रहिंदे आ, जिहड़ा कोई उहनां नूं कोई उच्चा बोल जावे उहनां नूं भी चंगा कहना, कोई नीमा बोल जावे उहनां नूं भी चंगा कहना, यह रब की भगती दे गुण। गुरु साहब जी ने आख्या बेटा तू दिल्ली नूं जाना, औरंगजेब का सुनेहा सर मथे है, राजा जय सिंह दे कोल पहुंचना वा, राजा जय सिंह दे हत्थी सुनेहा आया, महाराज जी ये गल पहला सारी संगत सोचती सी भई पहला गुरु साहब लाहौर गए, गुरु अर्जन देव महाराज वापस नहीं आए, तत्ती तवी ते बिठा के महाराज नूं शहीद करता। उस तो बाद गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जदों दिल्ली गए तो महाराज नूं ग्वालियर के किले विच कैद करता। महाराज काफ़ी समा दिल्ली दे ग्वालियर के किले विच कैद रहे, किते ए ना होवे वी हुण मुड़ के वापस ना आउणे, कोई होर ही भाणा ना वापर जावे। सरकारां बड़ा कुछ करदियां ने, जिहड़ा सरकार दे कहने विच ना चले सरकार उहनूं जेलां विच डक दिंदी आ, क्योंकि सरकार नूं पता हुंदा सरकार दे नुमाइंदियां नूं वी जे इह लोकां नूं असीं याद करता ते कलू ये सानू गुलाम बना लेंगे। असली गुरु साहब जी ग्वालियर के किले में भी उस तरह रहे जिमें दुनिया के संगत में विचरते सी, ते यही गल सतवें पातशाह गुरु हरिराय साहिब महाराज ने सोचण तो बाद राम राय नूं दिल्ली वल जाण वास्ते आख्या। गल बड़ी वड्डी आ सत संगत जीओ, ते दिल्ली जाना महाराज ने दा हुक्म मन्या राम राय ने, कहने जदों राम राय दिल्ली गए ने ना, जदों दिल्ली गए ने औरंगजेब के दरबार के विच उस समय एक रथ ते गए, जिहड़ा रथ सी इतिहास दीयां पंक्तियां दसदियां ने कहिंदे घोड़िया तो बगैर वह रथ सी जिहड़े रथ ते राम राय जी गए ने। हुण गुरु नानक दे घर दी महिमा जिहड़े ये लोग आ ये किवें सुन के पहचान सकणगे, जिहड़े हंकारी लोग ने वह भला दी मां गुरु नानक साहिब महाराज जी नूं जिहड़े उस समय ते भी माड़ा कहिंदे रहे ने, कराइया कहिंदे रहे ने, बताला कहिंदे रहे ने, भूतना कहिंदे रहे ने, वह भला दी किवें जर सकदे सी। अज भी उस तरह के लोग हैगे आ, कोई महापुरशां दा विरोध करी जांदा, कोई गुरु नानक की बाणी पढ़ते ने कोई उन्हां दा विरोध करी जांदा, पर यह नहीं पता भाई खुदा परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड एक है, जिहड़े एक समझदे आ उह तां जिथे मर्जी बैठ के उन्हूं जप लैणा महाराज नूं, उत्थे परमात्मा सतगुरु कालपुरख वाहिगुरु हाजिर हुंदे ने।
हुण सत्संग जीओ मेरे दे साई गुरु हरि साहिब महाराज जी सतगुरु ने अपने पुत्र नूं तोरिया हुण गुरु हरि साहिब महाराज दे बेटे दिल्ली नूं जिवें बादशाह दे दरबार विच गए ने जिवें बादशाह दे दरबार विच गए ने उत्थे जाके कला वरतौंदे ने ते उहनूं पढ़ लैणा समार के गुरु हरि साहिब महाराज कोल जदों गुरु हरि साहिब महाराज कोल आग्या लैके गए ने ते सतगुरु जी दे बेटे ने राम राय उत्थे जाके केड़ी कला वरतौंदे ने उस इतिहास दे पन्नियां चों ढाडी जत्था इह पेश कर रहा जी राम राय वो बचना की पालना कर रहा औरंगजेब के दरबार के जो दिल्ली पहुँचता औरंगजेब वेखदा भी ये हर राय साहब तो है नहीं दसिया गया कि उन्होंने पुत्र आए ने महाराज जी ने कहा भी असी उन्होंने मत्थे नहीं लगना जालम बादशाह वा गुरमत तो उल्ट नहीं जाना करामात कोई करनी नहीं कदे डोलना नहीं धीरज रखना भाने विच रहना गुरु नानक साहिब महाराज जी नूं याद रखना जिथे जिथे तुसी खड़ के कोई गल करोगे उत्थे सतगुरु जी थोड़ी रक्षा करनगे। महाराज जी दे वचन ने जे आम बंदे ने भी कितने रब ने बचन करते गुरु साहब ने
पापी लोगों को उतारता महाराज ने भजन करके, जिन्होंने कदे एक दिन भी कोई संगत नहीं की ना उन्होंने भी उतारता महाराज ने। पर गल की है, ये गल कोई विधि आ, ये विधि बनी कोई पिछले जन्मां दा कोई कर्म जागिया, संगत होई महाराज जी नाल, ते संगत होने दे नाल डुबदे बेड़े पार हो गए। कई बार आप अरदास करते हैं ना महाराज असीं पापी लोग हाँ, आपां तां कहिंदे आ पापी लोग हाँ, पर एकाग्रता चाहीदी आ, पापी लोग कहण वास्ते भी एकाग्रता चाहीदी आ। कह तां असीं रहे हाँ पर साडा मन इत्थे नहीं है, साडा मन इत्थे नहीं है। कह तां असीं रहे महाराज साडे ते कृपा करो सानूं तारो, पर सतगुरु जी कहिंदे भाई तुसीं रोज़ ही बेनती करी जाओ, ये रोज बेनती करो, कितने ना कितने थोड़ा मन एकाग्रता दे विच आ गया तो महाराज ने थोड़ी अरदास प्रवान कर लेनी है, बेनती प्रवान कर लेनी है। आपां कई बार सोचते होंगे भी असीं तां पाठ भी बहुत करते हैं, नितनेम सिमरन बहुत करते हैं, सवेरे तड़के ही उठते हैं, तो पर कार्ज साढ़े क्यों नहीं होंगे? वो कार्ज रब कदे नहीं रोकता, बंदे विच आप ही घाट होंगे, बंदे विच अपनियां घाटां बहुत होंगे, क्योंकि जिहड़े नितनेम सिमरन लोग करते हैं रब दे याद दे अंदर, रब तो कुछ नहीं मंगते, रब आप ही उन्होंने कार्ज करता वा, कार्ज दुनिया भी नहीं हो ही जाने ने, जिहड़े दुनिया तो चले गए उन्होंने जिहड़े रहिंदे परिवार उन्होंने कार्ज भी हो ही जाते हैं। बंदे नूं इक तमा आस आ, बंदे नूं आस ही लई फड़दी आ। इसलिए महाराज ने राम राय नूं कहा सी गुरमुख तो नहीं डोलना, बड़ी बड़े बड़ा बड़ा इतिहास आ है, गुरु साहब ने अखीर ते जाके जो राम राय ने सारिया गल्लां कीतियां 72 करामातां विखाइयां ने, आपां सरवण कीता पहला भाई गुरजंट सिंह होना तो 72 करामातां विखाइयां महाराज दे पुत्र ने, महाराज का पुत्र सी क्योंकि उन्होंने उन्होंने वर सी। पर मैं समझदा बई 72 करामाता नहीं सी, वो तो करिश्मे सी, गुरु नानक दे करिश्मे सी। महाराज जी कहिंदे भाई वो करामाता नहीं सी, जिहड़ी अखीर ते जाके गल कही है ना वो करामात सी। आओ आपां उस इतिहास की लड़ी नूं फिर कहण दा जतन करिए। दिल्ली की धरती दे उत्ते गुरु नानक दे सिख दुनिया दे विच ही वसदे ने, जदों दिल्ली की धरती ते पता चलिया भी गुरु साहब दे पुत्र आए ने, तां गुरु दे सिखां ने भी बहुत भारी स्वागत किया राम राय दा। राम राय ने गुरु दर गुरु की आज्ञा के अनुसार बादशाह दे औरंगजेब दे दरबार च गए, बादशाह ने पुज के सत्कार किया, वधिया वधिया बंगले दे विच उन्हां नूं रिहायश की, उन्हां दी बड़ा सोहना भोजन सेवादार दिते उन्हां नूं, ते जिहड़े काजी मलाणे सी औरंगजेब नूं सलाह दिंदे सीगे बे गुरु नानक दा जिहड़ा सिख धर्म आ उह साडे धर्म नूं बड़ा वड्डा नुकसान पहुंचाउंदा, क्योंकि उन्होंने पता सी भी गुरु नानक दा दर तां करामाता दे विरुद्ध आ, आपां करामाता वेखणियां ने हुण सारे पासी इह इक चर्चा दा विशा बन गया बई हुण पता चलू गुरु नानक दे घर दे जिहड़े सेवक ने जां गुरु साहिब जी ने वो किन्नी कला दे मालक ने, कदे एवें अपनी दुकान तो नहीं चलाई फिरदे। जहांगीर तुजके दे विच आ, जहांगीर ने लिखा भी जदों गुरु अर्जन साहिब महाराज ने शहीद किया उदों पहला मैनू कुछ लोगों ने आके लिखती दिता भी एक नानक आ हिंदू घराने दे विचों जिहड़ा के अपने आप नूं गुरु नानक कहिंदा, ते उहदी पंजवीं जोत कहिंदे इक अर्जन आ,
जो अर्जुन उसकी पांचवीं दुकान नू चलाई बैठा, क्यों ना दुकान बंद कर दी जाए, आप अर्जुन नू खत्म करके दुकान बंद कर दिए। जहांगीर गल लिखता, पर सच कदे छुपता नहीं, सचा जिहड़ा जुगा जुगंतरां तक दुनिया के सामने एक इतिहास बन के रह जाता। हुण सच ही आ, एक पासे बादशाह ते एक पासे फकीर आ। राम राय का जिवें सत्कार किया, राम राय नूं जिवें गुरु साहब जी दी आग्या दे अनुसार उन्हें अपने प्रवचन किए, राम राय नूं महिलां दे विचों सेवादार दिते, राम राय फिर इस दरबार दे विच पेश हुंदा, करामाता करन वास्ते उन्हूं आखिया, आओ उस तरह दे नाल आपां इतिहास के पन्ने नूं पेश करन दा जतन करांगे भी किवें किवें करामाता कीतियां ने, किस तरह दे नाल बादशाह दी तसली कराई आ राम राय, फिर किवें घमान दे विच आ के उन्हें गुरु साहब दे गुरु नानक दे बाणी दे उल्ट होया, इतिहास के पन्ने इहो कह रहे ने जी।
राम राय दियां गल्लां सुन के औरंगजेब दे देव दे दरबार दे विच बड़ी महिमा हुई आ। जदों राम राय बादशाह दे दरबार दे विच सजे ने ना, फिर पुछया औरंगजेब ने ते वी थोड़े धर्म दे अंदर गुरु नानक साहिब महाराज जी ने बाणी उचारी आ, और बाणी नूं तुसीं रब करके मनदे हो, इसलिए जिहड़ी बाणी नूं तुसीं रब करके मनदे हो, फिर उस बाणी दे अंदर खुदा दियां परमात्मा दियां अकाल पुरख राम रहीम वाहिगुरु गौड़ दियां बड़ियां वड्डियां विचारां कीतियां गईआं ने। गल की सी, औरंगजेब के दरबार के हर रोज कोई ना कोई नवी गल सामने आउंदी सी। जो सामने आउंदी सी गल तो जड़े मिलाने से उन्होंने चलती कोई नहीं सी, सामने की आउंदी सी कि कला वरतदी सी। हुण आपां दिल्ली वो खूह के दर्शन करते हैं जिथे राम राय ने एक चादर विछाती खूह के उत्ते, देखने को लगे भी यह पदरा सारी जगह पदरी है, तो उन्होंने कहा भी राम राय इत्थे बिठा देंगे तो यह खूह के डिग पूगा। सात संगत जीओ वो खूह के मैं दर्शन करके आया, आप बड़ी बड़ी महाराज जी कृपा रही है, तो राम राय आए समाधि ला के बह गया जिमें सचखंड देवते फुलां की वर्खा करते होंगे नाम जपते होंगे हैरान सारे। मरिया होया बकरा जोदा करता, कहने मरिया होया बकरा जोदा कर दे राम राय ने बकरा जोदा करता मरिया होया। तो फिर जी आप गल करते हैं ना भी घोड़िया तो बगैर रथ, जो घोड़िया तो बगैर रथ देख दिया ये हैरान ही हो जाते हैं बई घोड़े तो घोड़िया तो बगैर तो रथ कद चलता ही नहीं, आ राम राय का जो रथ है तो घोड़े है ही नहीं। मरिया हुआ बकरा ज्यौदा करता तो राजे का खजाना गिणता सारा, बादशाह का खजाना सारा गिणता भी इन्ना खजाना तेरा पिया इतने इतने पिया इन्नी तेरी फौज आ। ये सारिया गल्लां जो गुरु नानक की कृपा वरतदी सी, इनू करामात नहीं कहिंदे, एक कला करामात नहीं एक कला। हुण कई प्रसंग ने आपां पेश करदे हुंदे आ, गुरु नानक साहिब महाराज रहेलखंड का एक प्रसंग आ, उहदे विच महाराज जी इतिहास के पन्ने जो पढ़ते हैं तो कहिंदे वी महाराज ने उदों बचपन का रूप धारिया सी, एक बाल उम्र के विच उन्होंने महाराज जी नूं चक के बेचता मंडी के विच। हुण जिहड़े कट्टरवादी लोग आ जो उन्हां कोले गल करदे कहिंदे इह किवें हो सकदा, रब भला दी की नहीं कर सकदा, रब तो रब ही हुंदा, आपां तां अन्ने लोक आ, आपणे कोले की आ, सतगुरु की कृपा करन। आ सुणिओ जरा, जदों इह कला वरतदियां सी सारे जिन्ने उहदे औरंगजेब दे कोल मौलवी काजी सीगे मिलाने सीगे जिहड़े करामात करदे सी, किसी की कोई ना चली। पर सात संगत जीओ, हीरे मोती जवाहरत गण तो बाद गल इत्थे आ गई, तो फिर मालवियां ने कहा बादशाह जी एक गल तो आप पूछी नहीं हैगी तुसी, कहिंदे की, कहिंदे राम राय नूं इह तां पुछो भी गुरु नानक की बाणी कहनी आ जिहड़ा मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कि बार भी ये की गल घर भांडे इटा की जल्दी करे पकार। इस गल का जो क्योंकि बंदे दे मन दे विच कई बार माण आ जाता, हुण इन कला वरताइया औरंगजेब नाल बड़ी बनन लग गई, औरंगजेब मित्र बन गया, औरंगजेब भरोसा करन लग गया, हुण इन्नी इत्थे प्रीख्या की घड़ी आ गई। उस प्रीख्या की घड़ी के औरंगजेब जिवें यह गल पुछदा भी
गुरु नानक की बाणी आ कह रही है, क्यों कह रही है? तो उस समय दिन लहिंगा ढाडी जत्था यो बयान कर दिया जी। शाही दरबार च औरंगजेब दे शाही दरबार च राम राय ने हद मुका दी, राम राय ने हद मुका दी। औरंगजेब दे शाही दरबार च औरंगजेब दे शाही दरबार च राम राय ने हद मुका दी, राम राय ने हद बचन भुल के दे करामात दी चढ़ी लगा दी, करामात दी चढ़ी लगा दी। जदों पता लगदा है सतमे पातशाह नूं जदों पता लगदा है, राम राय कमजोरी दिखा दती, राम राय कमजोरी दिखा दती, राम राय कमजोरी दिखा दती। गद्दी पे टाल के हरि कृष्ण नु गद्दी पे टाल के हुक्म दी खेडवर ता दती, दिलवर हुक्म दी दिलवर हुक्म दी खेडवर ता दती, दिलवर हुक्म दी खेडवर ता दती। सतगुरु ने पता चलिया बे राम राय ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी गुरु नानक की बाणी की एक पंक्ति बदलती, जिथे मिट्टी मुसलमान की कहा से उत्ते मिट्टी बेईमान की कह दिता। बड़ी बड़ी गल है। हुण अज असी जां बाणी नूं पढ़न वाले तरह तरह के नाल बाणी नूं पढ़ के उहदे अर्थ करदे ने, पर महाराज ने अपने पुत्र नूं बसारता। महाराज जी कहिंदे वी जिधर नूं तेरा मूँह आ उधर नूं चले जा, तो साढ़े ते मत्थे नहीं लगना। अपने पुत्र नू जिवें आपां कह दिंदे आ बई अपने जायदाद तो उन्होंने तो अपने उन्होंने हक तो वांझा कर दिता। हरकृष्ण महाराज साहब महाराज छोटी उम्र के ने उन्होंने गद्दी देती, बड़े तरले लैने उन्हें, बड़े तरले लिया राम राय ने, पर बख्शिया नहीं गया। बख्शिया कदों गया? जदों दा खीर आ गया गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश की, पर उदों मसंदा ने ज्योदा साड़ता। इसलिए साध संगत जीओ आओ ये इतिहास कह रहे सी, मैं बड़ी डूंघाई विच इतिहास नहीं कह सकिया, बहुत सारिया विचारां हुंदियां ने, महाराज कृपा करदे ने साध संगत जीओ, बहुत सारिया भुल्लां गलतियां त्रुटियां रह जांदियां ने। ते आओ बाबा जी श्री मान संत बाबा धर्मपाल जी धर्मपाल सिंह जी संगोवाल वाले महापुरश ने, बड़ी महिमा बड़े पचनीक ने, सतगुर कृपा करन आप सारे अरदास करिए सतगुरु जी इन्हों दे रुकता बख्शन, ताकि आप अणमुले प्रवचन श्रवण करते रहिए संगत करते रहिए, ताकि आपू कुछ इन्ह के जीवन तो सीध मिलती रहे। असली सतसंग जी आओ सारिया संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद आ। मास्टर जी
धर्मजीत सिंह जी ढारी वाले बड़े ही सहज सुभा के बड़े विद्वान ने श्रद्धा से सेवा सुमन करके अपने जीवन में सफल करद धनवाद करते हैं। तो करमसर वाले साइबर सोसायटी वाले भाई लखबीर सिंह जी हर समय आपां नूं हर महीने के एतवार अखीरले लाइव करते हैं, तो सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आओ सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में गुरु नानक के दर के उत्ते सिकंदर सिंह लहारे का ढाडी जत्था फतेह अर्ज कर रहे हैं। आखो जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। धन श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी दे प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित यह अज दा गुरमत समागम सिगमा कॉलेज की बैकसाइड के उपर जो संगोवाल संगत स्थान महापुरखों वालों संत बाबा धर्मपाल सिंह जी संगोवाल वाले महीने के आखिरी एतवार रखा जाता है। इस बारी अठवें गुरु साहब दिनां दे प्रकाश पुरब नूं समर्पित रखा गया समागम।